हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में सॉल्विटी का क्वेश्चन को आपको सेकंड्स में करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद आपका जेईई मेन का पेपर का क्वेश्चन हो, जेईई आईटी एडवांस का हो या फिर नीट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन किसी का भी हो, सॉल्विटी क्वेश्चन है, आपसे गलत नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स क्या है, जो अगर कैटायन एनायन के बीच में लार्ज साइज डिफरेंस है तो उसका सॉल्विटी क्या होगा, ज्यादा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो केटायन हो या एनायन हो, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जो आयन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक लार्जर आयन और दूसरा स्मॉलर आयन। लार्जर आयन पॉलीएटोमिक आयन्स होता है जनरली, और आयोडीन उसमें इंक्लूड किए हैं, और स्मॉलर आयन में एस ब्लॉक जो केटायन है उसको हम इंक्लूड किए हैं, और एफ माइनस, ओ एच माइनस, ओ टू माइनस, ये सब क्या है, स्मॉलर आयन। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो एक एक करके पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। मोर द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन more will be the solubility, more will be the solubility। अगर कैटायन एनायन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है तो उसका सॉलिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ये कैटायन क्या है, स्मॉल है, और एनायन लार्ज है, तो इसका सॉलिडिटी क्या होगा, ज्यादा। अगर कैटायन स्मॉल है और एनायन भी स्मॉल है तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद अगर लार्ज एनायन है और लार्ज केटायन है, ये लार्ज एनायन है और ये लार्ज केटायन एनायन लार्ज है तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। दूसरा क्या है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप ग्रुप साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, लार्जर आयन्स में क्या है, CO2 फोर माइनस, PO4 थ्री माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, SO4 टू माइनस, ये सब क्या है, लार्जर आयन्स है। उसके बाद स्मॉलर आयन में क्या क्या है, स्मॉलर आयन, अगर स्मॉलर आयन में देखें तो एफ माइनस, ओ एच माइनस, ओ टू माइनस और एस ब्लॉक केटायन। अब इस पॉइंट को तो सबको क्लियर हो गया होगा, अब इसमें बेस क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसको हम रब करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे क्या है, एल आई एन ओ थ्री, उसके बाद क्या है, के एन ओ थ्री, उसके बाद आर बी एन ओ थ्री, उसके बाद सी एस एन ओ थ्री। तो अब आपको सॉलिडिटी बताना है कि किसका सॉलिडिटी ज्यादा होगा। तो यहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिथियम प्लस है और यहाँ पे एन ओ थ्री माइनस है। लिथियम प्लस स्मॉलर आयन है और ये क्या है, लार्जर आयन, ये लार्जर आयन है, ये स्मॉलर आयन है,
यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे ये लार्जर आयन है और ये भी लार्जर आयन है, तो इसका सॉल्विटी क्या होगा, कम होगा, इसका सॉल्विटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे NaNO3 भी होगा तो इसका भी KNO3 से ज्यादा होगा, ये छूट गया था, तो पहला ये हुआ। दूसरा, अगर यहाँ पे LiCl4, उसके बाद क्या है NaCl4, उसके बाद KCl4, RbCl4 और CgmCl4, इसमें अगर आपको बोला जाए किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो ये भी सेम, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्मॉलर आयन है और ये क्या है, लार्जर आयन। यहाँ पे ये क्या है, ये लार्जर आयन है और ये भी लार्जर आयन है, तो इसका सॉल्युबिलिटी कम होगा और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे LiF है, ये किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये स्मॉलर आयन है, ये क्या है, स्मॉलर आयन, और ये भी क्या है, स्मॉलर आयन, दोनों स्मॉलर स्मॉलर है, ये स्मॉलर, ये भी स्मॉलर, और यहाँ पे देख रहे हैं ये स्मॉलर और ये लार्जर, तो लार्जर स्मॉलर के बीच में साइज डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और SS2O। तो अगर देखें ये किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो ये क्या है, स्मॉलर आयन, ये क्या है, लार्जर आयन, ये क्या है, स्मॉलर आयन, ये भी क्या है, स्मॉलर आयन, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, LiOH, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH। तो अब हमको सॉल्युबिलिटी देखना है कि किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो ये स्मॉलर आयन है OH माइनस स्मॉलर आयन, और ये क्या है, लार्जर आयन, यहाँ पे ये स्मॉलर, ये भी स्मॉलर, ये स्मॉलर स्मॉलर है, यहाँ पे ये स्मॉलर स्मॉलर है, यहाँ पे लार्जर स्मॉलर है, तो इसका साइज डिफरेंस ज्यादा, तो इसका सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर आएगा, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा। और भी देखते हैं, NaI है, अब देखते हैं NaI है, फिर क्या है, KI, उसके बाद RbI और CsI। अब सॉल्युबिलिटी आपको चेक करना है, तो ये क्या है, लार्जर आयन, ये क्या है, लार्जर आयन, और ये भी लार्जर आयन है, और ये स्मॉलर आयन और ये लार्जर आयन, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एलआई भी आर, के भी आर, आर बी आर और सी एस बी आर। अब इसमें हमको सॉल्युबिलिटी चेक करना है, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलर आयन, ये क्या है, लार्जर आयन, ये क्या है, लार्जर आयन, सिर्फ फ्लोरीन क्या है, स्मॉलर आयन, बाकी सारा हैलाइड को हम क्या कंसीडर करेंगे, लार्जर आयन, तो यहाँ पे लार्जर लार्जर है, तो सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर होगा। इस तरह करके हम सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब ग्रुप टू का हम देख लेते हैं, कुछ सॉल्ट का, ग्रुप टू का सॉल्ट को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं उसका। तो अगर आपको दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट,
और आपको सॉल्विटी चेक करना है कि किसका सॉल्विटी ज्यादा है। तो सॉल्विटी का ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो स्मॉलर आयन का है, जितना भी एस ब्लॉक कैटायन है उसको हम स्मॉलर आयन में कंसीडर करते हैं। तो ये स्मॉलर और ये क्या है लार्जर, यहाँ पे क्या है ये स्मॉलर और ये क्या है ये लार्जर है और ये भी क्या है लार्जर। तो अब सॉल्विटी का ऑर्डर ये आएगा, ये क्या है सॉल्विटी का ऑर्डर। इसी तरह BCO3, MgCO3, CaCO3 और BaCO3। अब हमको कंसीडर करना है क्या ये कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन कैटायन लार्जर स्मॉलर चेक करना है, ये क्या है स्मॉलर ये क्या है लार्जर। तो सॉल्विटी के ऑर्डर क्या आएगा, ये लार्जर ये भी लार्जर। तो लार्जर लार्जर का सॉल्विटी क्या होगा कम होगा, स्मॉलर लार्जर का सॉल्विटी क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा है। उसके बाद BF2, MgF2, CaF2 और क्या है BaF2। अगर इसमें हम चेक करें ये किसका सॉल्विटी ज्यादा है तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे लार्जर है, ये क्या है स्मॉलर है, ये स्मॉलर ये स्मॉलर। तो ये लार्जर स्मॉलर का सॉल्विटी क्या होगा ज्यादा होगा, लार्जर स्मॉलर का सॉल्विटी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है एक दिया हुआ है BaF2, BaCl2, Ba बैरियम ब्रोमाइड Br2 और बैरियम फ्लोराइड। तो अब सॉल्विटी चेक करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं I2, ये क्या है Br2, Ba बेरियम आयोडाइड, ये क्या होगा बेरियम आयोडाइड। अब चेक करना है सॉल्विटी तो ये क्या है लार्जर एनायन और ये क्या है लार्जर कैटायन, और ये क्या है स्मॉलर एनायन और ये क्या है लार्जर कैटायन। तो अब सॉल्विटी का ऑर्डर ये आएगा। इसी तरह BOH2, MgOH2, CaOH2 और BaOH2। तो सॉल्विटी का ऑर्डर अगर हम चेक करें ये OH क्या है स्मॉलर एनायन, स्मॉलर एनायन है और ये लार्जर है, तो सॉल्विटी का ऑर्डर क्या होगा ये होगा, ये सॉल्विटी का ऑर्डर होगा। और कुछ देख लेते हैं BaCl2, MgCl2, CaCl2 और BaCl2। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये क्या है स्मॉलर है, ये भी क्या है लार्जर है, ये क्या है लार्जर है, ये क्या है लार्जर है। तो अब सॉल्विटी का ऑर्डर ये आएगा। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। अब इसमें चेक करना है हमको सॉल्विटी, तो यहाँ पे ये स्मॉलर ये भी क्या है स्मॉलर, ये क्या है लार्जर ये क्या है स्मॉलर, सॉल्विटी का ऑर्डर ये आएगा। बस देखते के साथ हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाइट्राइट में देख ले यहाँ पे BaNO3 2, यहाँ पे MgNO3, CaNO3, यहाँ पे SrNO3 2
और सॉल्विटी चेक करना है। तो ये क्या है लार्जर, ये भी क्या है लार्जर, ये क्या है स्मॉलर, ये क्या है लार्जर, तो ये सॉल्विटी का ऑर्डर होगा। तो ये सेकेंड्स में ही हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ एक्सेप्शन है जो इसके थ्रू नहीं आएगा, जो हम जो ये लार्जर स्मॉलर देख करके हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कुछ नहीं करेगा, तो उसको भी हम दो को याद कर ले, बाकी सबको हम ये जो लार्जर स्मॉलर से निकाल सकते हैं। ज्यादा एक्सेप्शन याद करने कर सकता नहीं। दो एक्सेप्शन है, पहला है एजीएफ, उसके बाद क्या है एजीसीएम, एजीबीआर और एजीआई। अब इसमें सॉल्विटी का ऑर्डर ये आता है, सॉल्विटी का ऑर्डर क्या आता है ये, उसी तरह बी एफ टू, बी सी एल टू, बी बी आर टू और बी आई टू, इसका ऑर्डर ये आता है। तो बस ये दोनों को याद करना है।